देखिए, आज 5 रिट याचिकाओं में आर्गुमेंट के लिए सम्यक रूप से लगा था। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि 2 रिट याचिकाओं में कल ही पूरे दिन 10 बजे से 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट सुना दोनों पक्षों का। कुछ आर्गुमेंट का हिस्सा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के तरफ से, उन्होंने कहा कि कुछ मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं आधे आधे घंटे के लिए, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उसे आज के लिए 10 बजे का समय नियत किया था। 10 बजे हम लोग पहुंच गए कोर्ट में, उनके तरफ से भी उपस्थिति दर्ज कराई गई और वो पहुँच गए कोर्ट में। फिर उन्होंने अपनी बहस शुरू की और बहस करके करीब 1 घंटा समय लिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद उनका जवाब मेरे तरफ से और मेरे तरफ से जो अधिवक्ता नियुक्त हैं श्री अजय कुमार सिंह जी, उनके द्वारा बहस की गई लंच तक 1 बजे तक। इसके बाद हमारे तरफ से, चूँकि लर्नेड सीनियर काउंसिल माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के श्री सीएस वैद्यनाथन जी ऑनलाइन जुड़ करके बहस करना चाहते थे, लेकिन आफ्टर लंच वो उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अर्जेंट मामला आर्गुमेंट हो रहा है, उसमें उनकी व्यस्तता हो गई। इसलिए उन्होंने खबर भेज दिया कि मैं आफ्टर लंच उपलब्ध नहीं हूँ, जो मैं बहस करना चाहता हूँ उसे लिखित रूप से लिख करके और मैं कोर्ट में सबमिट करवा दूंगा हम लोगों के माध्यम से। ये कार्य हम लोग सोमवार को कर देंगे, माननीय न्यायालय में सबमिट कर देंगे। किस तरह से विरोध किया मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं पर जो मेंटेबिलिटी को लेकर थी और एसआई सर्वे को लेकर? देखिए, क्या दलील पेश की है? मुख्य रूप से मैं यह आप लोगों को बता दूँ कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों को कहा है कि मीडिया में इस तरह के बयान न दें। क्या न्यायालय में पक्षों के द्वारा बहस हुई, किन बिंदुओं पर हुई, इन इस पर जो है वो स्टेटमेंट आप लोग कृपया न दें। कब तक आ सकता है इसमें न दें? इसलिए मैं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार दोनों पक्षों के द्वारा कोई भी जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने में असमर्थ हूँ। माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि अगर निर्णय प्रसारित हो जाता है, जजमेंट डिलीवर हो जाता है, तो आप लोग फ्री हैं, उसके प्रास एंड कांस पर मेरिट का आप लोग मीडिया में वो बयान दे सकते हैं और मीडिया भी स्वतंत्र है कि उसको छापेगी। अच्छा, अभी जो आप बताएगी, अभी जो आप सीएस वैद्यनाथन साहब का जो है सोमवार को उनका जवाब लिखित देंगे, तो फैसला उसके बाद ही आएगा? अब माननीय न्यायालय ने आज फैसला रिजर्व कर लिया और माननीय न्यायालय कब फैसला देती है यह डेट निश्चित नहीं है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही आ जाएगा।